हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि कितनी हसीन बारिश हो रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कराची में भी बारिश हो ही गई। बहुत दिनों से बादल 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 थे पर जो है वो बारिश नहीं हो रही थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बारिश हो रही है और ये तकरीबन काफ़ी देर से हो रही है। ये भी नहीं कि चलिए जी 2 मिनट हुई और फिर बंद हो गई, काफ़ी देर से बारिश हो रही है। बहुत हसीन मौसम बन चुका है और मेरा इरादा है बाहर जाने का, तो मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और बस दिल चाह रहा है जल्दी से गाड़ी निकाल के बंदा जो है ना वो बाहर चला जाए घूमने फिरने। तो हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, ये तो कुछ अभी पता नहीं है, कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ, क्योंकि वैसे तो कुछ ख़ास काम है नहीं बाहर जाने का, लेकिन ये मौसम देख कर बस दिल चाह रहा है कि बंदा बाहर निकल जाए। आपको फोन बंद हो गया? हाँ यार। और जनाब हम एक बालकनी से अपनी दूसरी बालकनी की तरफ आ गए हैं, यहाँ पर ज्यादा मजा आ रहा है। यहाँ नीचे नहीं ना, थक गए मतलब इतना भी भीगने का दिल नहीं चाह रहा, थोड़ा बहुत चाह रहा है। ओहो बेचारे, वो वैसे भी हो जाती हैं जैसे जरूरी बारिश की वजह से। ये मुझे उमेर अंकल क्यों लग रहे हो? अरे यार हमारी बाइक भी नहीं है घर में, वरना मैं और फरीन बाहर जाते बाइक पे कितना मजा आता। वहाँ तो जाके अंदर बैठ जाएंगे, क्या फायदा। अस्सलाम वालेकुम अगेन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं बस बाहर निकल रही हूँ, मौसम बहुत सुहाना बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं बाहर निकल गई हूँ और हम जा रहे हैं। और तो कहीं कहीं जाना नहीं था, हमने सोचा कि चलो पार्लर ही बोले। तो जनाब हम निकले हैं पार्लर के लिए क्योंकि आगे हमारे ट्रैवलिंग का इरादा है। हम लोग इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर अल्लाह ने चाहा तो कल या परसों निकल जाएंगे। वही पाकिस्तान टूर के लिए बच्चों को थोड़ा जो है हम चाह रहे थे नॉर्दर्न एरियाज में ले जाएँ, शायद कश्मीर वगैरह साइड पे ले जाएं, अभी कंफर्म नहीं है। वो जाएंगे जब हम इस्लामाबाद पहुँचते हैं तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि आगे हमें कहाँ जाना है। तो उसकी तैयारियाँ चल रही हैं, कुछ बच्चों की शॉपिंग है, वो मैंने कहा वो कर लेते हैं, अभी थोड़ी बहुत पार्लर हो लेते हैं, तो ये एक दो काम है वो करने के लिए निकले हैं। साथ साथ मैंने कहा चले आप लोगों को जो इतना हसीन वेदर है वो दिखाते हैं कि कराची का जो है मौसम बहुत सुहाना हो गया। गर्मी 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 की शिकायत तो हमने इतनी करी है, तो अब जब मौसम अच्छा है तो मैंने कहा उसके बारे में भी आपको बताया कि अब मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है और फिलहाल गंदगी निकल निकल के उमड़ उमड़ के आ गई है कराची की। अभी तो गटर वटर नहीं उबले, ऐसा ना वो भी उबलना शुरू हो जाए क्योंकि ये तो है जितनी आबादी होगी तो उसी हिसाब से गंदगी भी होगी। और क्या बात है, आज तो वक्तन फावक्तन जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बारिश बार बार हुए जा रही है। अभी थोड़ी कम हो गई थी पहले जब मैंने आपको वो शुरू में बताया था जब बारिश हुई, फिर उसके बाद दोबारा रुक गई, मुकम्मल रुक गई थी, यहाँ तक कि इवन धूप निकल आई थी और उसके बाद अचानक से फिर बारिश शुरू हो गई। अच्छा जी फिर रुकी, मैंने कहा चले जी मैं बाहर निकलती हूँ। मैं जैसी बाहर निकली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर से बारिश शुरू हो गई। अब ये फुहार नहीं कह सकते आप इसको, तो बारिश ही कहेंगे, अब तो दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई और माशाल्लाह बहुत मज़ा आ रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिल चाह रहा है कि अल्लाह पाक इस रहमत का जो है वो बहुत 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 शुक्रिया। और दिल बहुत खुश हो गया, वो क्या कहते हैं बाग बाग हो गया, वाह 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 क्या बारिश हो रही है। आप लोग भी बोलेंगे क्या बार बार बारिश ही दिखा रही है हमें, अब मैं क्या करूँ जब इतना हसीन मौसम हो रहा है। तो मेरा दिल चाह रहा है बस मैं से किसी तरह कैप्चर कर लूँ और कराची में जो है ना वो पूरा साल ही ऐसा मौसम रखूँ। जी जनाब, तो मैं यहाँ पार्लर आ गई हूँ और यहाँ आकर जो है मेरा इरादा हुआ है कि चलें जी मैं कुछ नहीं तो केराटिन ले लेती हूँ अपने बालों में क्योंकि बहुत ज़्यादा वेवी हो गए थे दोबारा से, तब तो मैं यहाँ ले रही हूँ केराटिन। उसका सारा प्रोसीजर और ये पूरा व्लॉग मैं एक बार पहले भी डाल चुकी हूँ जब मैंने पहले लिया था,
कैरेटन लिया था या रिबॉन्डिंग वगैरह। वैसे तो मैंने कहा था एक्सटेंसो ही कर दीजिए आप, अब वो अपने हिसाब से कर रही हैं, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखाती हूँ साथ साथ, आप लोग भी देखिए पूरा सारी डिटेलिंग में, उसमें तो मैंने पहले ही ब्लॉग डाला हुआ है। तो बस यहाँ मैं आपको नॉर्मल नॉर्मल दिखा रही हूँ कि जाती पहले उन्होंने मेरा हेड वॉश किया, हेड वॉश करने के बाद वही क्रीम सप्लाई करी, फिर क्रीम्स जो हैं वो हटाने के बाद फिर से उन्होंने मेरा हेड वॉश किया, हेड वॉश करने के बाद उन्होंने फिर से दोबारा से स्ट्रेटनर ब्लो ड्राई, मतलब बहुत ज़्यादा जो है बाल ड्राई करके स्ट्रेट करते हैं। तो ये सारा अभी इन्होंने वॉश ही किया हुआ है खाली ना, अब यहाँ क्रीम अप्लाई होगी और उसके बाद जो है सारा प्रोसीजर होगा। तो बस मैंने अपनी रिबॉन्डिंग ली, थोड़ा सा फेशियल वगैरह करवाया और ये सब करवा कर जो है मैं घर वापस आ गई थी। जी जनाब, तो मेरा वर्क हो चुका है और मैं देख रही हूँ कि मेरा कैसा वर्क हुआ है, आप लोग भी बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा है। तो मैं तो सेटिस्फाई हूँ और नेक्स्ट डे ये मैं दोबारा गई थी फिर हेड वॉश के लिए। जी जनाब, तो मेरा वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी सर्विस से बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और ब्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।